दोस्तों, आजकल इस रेडमी मोबाइल में बहुत सी प्रॉब्लम आने लगी है, लेकिन दोस्तों उस प्रॉब्लम में हम कस्टमर लोगों को लूटा जा रहा है। हाँ दोस्तों, ये एक सच्चाई है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे रेडमी के मोबाइल में कैमरा ब्लर का प्रॉब्लम आ रहा है, ये सबको फेस करना पड़ रहा है, उसमें हम कस्टमर लोगों को कैसे लूटा जा रहा है। तो आइए हम समझते हैं बारी बारी कि कैसे हम लोगों को लूटा जाता है। मेरे साथ हुआ इंसिडेंस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो बैक कैमरा है अपना, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है रेडमी मोबाइल का, इसमें ही मुझे दिक्कत आई। फ्रंट कैमरा बहुत अच्छे से चल रहा था, उसका कुछ भी इशू नहीं था, बस इशू था तो ये बैक कैमरा का। तो दोस्तों, पहले मैं ये मोबाइल लेके गया उस शॉप में, ये मोबाइल मैं लेके गया। मैं वहाँ पे मोबाइल लेके जाने के बाद उससे पूछा कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि आपके मोबाइल का कैमरा जो है वो चेंज करना पड़ेगा। कैमरे का तो कुछ हुआ नहीं है, कैमरा क्यों चेंज करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि इसका पूरा सेटअप ही गया है, तो आपको पूरा नया सेटअप डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा उसके लिए खर्चा कितना? तो उन्होंने कहा 2000 से लेके 3000 तक आपका खर्चा आएगा। तो भाई साहब, मैंने बोला मेरा मोबाइल मुझे दे दो, आप इसमें कुछ भी मत करो। तो मैंने सेकेंड टाइम ये मोबाइल लेके गया मैं रेडमी के शोरूम में। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दो रीज़न बताए इस मोबाइल के कैमरा ब्लर होने के। उन्होंने पहला रीज़न बताया कि आपका मोबाइल अपडेट होने की वजह से ये आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आया है। तो मैंने कहा आप अपडेट क्यों देते हो? अगर आपके अपडेट से हमारा मोबाइल जो है वो प्रॉब्लम में जा रहा है, तो आप अपडेट क्यों देते हो? तो उन्होंने कहा कि आप आगे से मोबाइल को अपडेट मत कीजिएगा। मैंने कहा ये कैसे, अपडेट तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है, ये प्रॉब्लम मोबाइल के अपडेट के वजह से है। मेरा जो पहले था एंड्रॉयड वर्जन 13 था, अभी मेरा एंड्रॉयड वर्जन 14 है, इसके बीच जो अपडेट हुआ उसमें ये मुझे दिक्कत देखने को मिली। दूसरा जो सॉल्यूशन बताया वो बताया, अब तो एक तो आपको पूरा मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या तीसरा उन्होंने सॉल्यूशन बताया, तीसरा सॉल्यूशन उन्होंने बताया था मुझे का सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर नया डालना पड़ेगा। या चौथा, अगर इन सब से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको भी नया कैमरा डालना पड़ेगा। मैंने बोला उनसे ये कैमरे डालने के लिए कितना खर्चा लगेगा, तो उन्होंने भी 2000 से 3000 बताया। मैंने कहा मेरा मोबाइल मुझे वापस दे दो, मुझे ना कैमरा डालना है ना कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि ये कस्टमर आते हैं तो उनका यह जो प्रॉब्लम है वो इस सॉफ्टवेयर वाले सॉल्यूशन से सॉल्व हो जाता है, तो आपका भी ये सॉफ्टवेयर लगाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने खर्चा 200 या 300 रुपये बताया था। तो मैंने कहा मेरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी इसको जो सॉफ्टवेयर है नहीं डाल सकता। तो मैंने वहाँ से मोबाइल मेरा ले लिया और मैं घर चला आया। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने बहुत सी तकनीकें यूज़ की, फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो कुछ दिनों बाद मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था कैमरे पर, क्योंकि कैमरे का जो पहले यही कैमरा सिर्फ अच्छे से दिखता था 0.6x का, लेकिन ये जो 1x है, ये जो अभी अच्छा दिख रहा है, और ये जो 2x है, ये कैमरा जो थे ये दो ऑप्शंस वो अच्छे से नहीं दिख रहे थे। ये वीडियो में भी वैसे थे दोस्तों, अभी ये जो अच्छे से क्लियर दिख रहे हैं वो प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन इसका किया कि आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। आप ये सेटिंग्स में चले जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में चले जाइए, अबाउट फ़ोन में चले जाने के बाद MI वर्जन में चले जाइए, और उसके बाद ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, ये 3 डॉट उसमें चले जाइए। उसके बाद जो ये डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज जो है उस पर क्लिक कीजिए, ये पूरा डाउनलोड होगा, पूरी ये प्रोसेस होगी। उसके बाद आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, आपका जो कैमरा का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको ना 2000 रुपये लगेंगे
ना अपडेट करना पड़ेगा ना कुछ है। अगर आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम है तो ये इंटरनली सॉल्व हो जाता है, ना आपको कैमरा चेंज करना पड़ेगा, ना आपको सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, ना कुछ भी। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके दोस्तों को भी यह प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है तो उनको भी यह वीडियो बताइएगा। और दोस्तों आपको और कुछ भी प्रॉब्लम है ये रेडमी के मोबाइल से रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।